हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। आप लोग दोस्तों पढ़ रहे थे टेंस, तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। पर उससे पहले आप लोगों को पढ़ा दिया जाए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इंडिफिनिट में क्या होता है? कीवर्ड्स एवरी एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी, सेंचुरी, ओकेशनली, ओकेशनली, ऑफन, ऑफन, जनरली, generally, usually, etc। दोस्तों ये सारे शब्द जितने हैं रिपीटेड एक्शन को दर्शाते हैं। इनका प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जिसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं। कीवर्ड्स एवरी, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी, ओकेशनली, ऑफन, जनरली, यूजुअली। आइए इसके आधार पर हम आप लोग कुछ सेंटेंस दिखाते हैं। एग्जाम्पल, वी यूजुअली speaking English, देखिए दोस्तों, वी यूजुअली आर स्पीकिंग इंग्लिश। वी माने हम, यूजुअली माने सामान्यतः, आर स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो एरर कहाँ है? आर इंग्लिश। स्पीकिंग यूजुअली शब्द का आपको बताया गया है रिपीटेड एक्शन को दर्शाता, अतः बी में आपका एरर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वी प्लूरल नंबर है तो यहाँ हो जाएगा स्पीक, तब आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक और देख लेते हैं इसी प्रकार, आई, आई प्लूरल नंबर है, आई एम गोइंग टू दिल्ली एवरी मंथ, एवरी मंथ करा, आई एम गोइंग टू दिल्ली एवरी मंथ। तो इसमें आप लोग को बताया गया है रिपीटेड एक्शन को दर्शाने वाले शब्द लगे होते हैं, जैसे एवरी मंथ। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग के प्लेस पर आई गो, तो आपका ये वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस
नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? इसमें नकारात्मक विचार होते हैं, नहीं शब्द लगा होता है। इसका नियम क्या है? रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? डू नॉट आर डज नॉट, डज नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स थर्ड पर्सन अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच, जबकि प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? डू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। वे विद्यार्थी नदी में नहीं कूदते हैं। सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है? वे विद्यार्थी नदी में नहीं कूदते हैं। निगेटिव शब्द लगा हुआ है नहीं, अर्थात निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट पर जाते हैं। मेन वर्ब में कौन शब्द लगाने से हमें क्या सब्जेक्ट मिल जाता है? विद्यार्थी। कौन कूदते हैं? विद्यार्थी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले यदि एडजेक्टिव लगा हुआ है, नाउन या प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव लगा होता है तो उसको नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखते हैं, अर्थात दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, दोज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब ये क्या है? प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी डू। इसी के जस्ट बाद नॉट, डू नॉट जंप, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे। जंप इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। दोज स्टूडेंट्स डू नॉट जंप इनटू द रिवर। वे विद्यार्थी नदी में नहीं कूदते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सच्चा मित्र अपने मित्र को एक सच्चा मित्र अपने मित्र को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है। कह रहा है फ्रेंड्स, एक सच्चा मित्र अपने मित्र को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है। सेकंड एग्जांपल क्या है? सिंगुलर नंबर में, और फर्स्ट एग्जांपल क्या था? प्लूरल नंबर में। तो आइए देखते हैं। एक सच्चा मित्र, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्रयास कौन नहीं करता है? एक सच्चा मित्र। तो ये क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका मित्र है, उसी के जस्ट पहले
एक सच्चा एडजेक्टिव शब्द लगा हुआ है, अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर नंबर की हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डज नॉट ट्राई, ट्राई प्रयास करता क्या करने का, नीचा दिखाने का, ट्राई टू डिस्पैरेज, डिस्पैरेज नीचा दिखाने का, ट्राई टू डिस्पैरेज किसे, ऑब्जेक्ट है आपका मित्र, इज हिज फ्रेंड, एक सच्चा मित्र अपने मित्र को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस में नेवर शब्द लगाकर अधिकांशतः पूछा जाता है, देखते हैं यूज ऑफ नेवर, यूज ऑफ नेवर, अधिकांश फ्रेंड्स नेवर शब्द को निगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं जो कि बिल्कुल इरर है, होता है। देखिए कितना परसेंटेज बना ये बताओ, हम 50 पहले इसका रूल लिख देते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, कहाँ वो शोर मच रहा है, ट्रांसलेशन रूल ऑफ ट्रांसलेशन, पढ़ाने के लिए कोई नहीं आया, पढ़ा तो है तो सब्जेक्ट को भी पढ़ने नहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या करते हैं, यस या ईएस, सब्जेक्ट नेवर मेन वर्ब यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, मेन वर्ब में यस या यस लगा देते हैं, जबकि प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल नंबर में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट नेवर मेन वर्ब यस या यस ऑब्जेक्ट। तो आइए फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं, वे अपनी पुस्तक कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आपको बताया गया दे, ये क्या है सब्जेक्ट, कौन पढ़ते हैं, दे प्रोनाउन है, नेवर एडवर्ब है आपका नेवर, दे नेवर पढ़ते हैं, रीड दे के साथ हम प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव दियर बुक, नेवर का प्रयोग हमें जहां जिस वाक्य में नेवर का प्रयोग होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस प्रयोग करते हैं, एज अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यूज करते हैं, उसे निगेटिव प्रयोग नहीं किया जाता। एक और देख लेते हैं, हम अपने लाभ के
लिए हम अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा कभी नहीं देते हैं। हम अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा कभी नहीं देते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्रोनाउन वी सब्जेक्ट है, नेवर। हम कभी नहीं क्या करते हैं? धोखा देते हैं, चीट। मेन वर्ब है आपका चीट, जस्ट मेन वर्ब, पहले नेवर प्रयोग करना है। नेवर क्या है? एडवर्ब है। वी नेवर चीट, धोखा देते हैं। किसे धोखा देते हैं? ऑब्जेक्ट है, दूसरों को, अदर्स, दूसरों को देकर धोखा देते हैं। क्या, किस लिए? अपने लाभ के लिए, फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। वी नेवर चीट अदर्स फॉर आवर सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक, आवर, अब सही है। फॉर आवर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य विद दो टाइप्स होता है, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। फ्रेंड्स, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, इसका ट्रांसलेशन नियम अलग होता है। और जब क्या से शुरू वाक्य हमारा जब क्या से शुरू होता है, तब उसका ट्रांसलेशन करने का नियम दूसरा ही होता है। तो पहले इसका देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में डू या डच। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब वही फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब डू प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डच का प्रयोग करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। हम अंग्रेजी किसे किसे पढ़ाते हैं? वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा होता है ऐसे वाक्य में, तो क्वेश्चन वर्ड ये आपका दिख रहा है, किसे, किसे क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। ये आपको क्वेश्चन वर्ड बताया गया सबसे पहले, तो हूँ, किसे। फिर सेकेंड पोजीशन पर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या है? सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार यहाँ डू लिखेंगे। फिर आपका है तीसरे पोजीशन पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वी, हम। अब फोर्थ पोजीशन पर है मेन वर्ब, पढ़ाते हैं, टीच, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टीच। क्या पढ़ाते हैं? ऑब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी, इंग्लिश। हम अंग्रेजी किसे पढ़ाते हैं? एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी प्रकार। तुम, सिंगुलर नंबर में देखते हैं, वह
मंच पर गीत क्यों गाती है? वह मंच पर गीत क्यों गाती है? सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, सॉरी सबसे पहले वाई, सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई डज, सब्जेक्ट क्या है? सी, फेमिनाइन जेंडर, सी सिंग, गाती है, क्या गाती है? शांग, आ शांग, मंच पर ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। वह मंच पर गीत क्यों गाती है? सेकेंड टाइप से क्या है देखते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका नियम क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वही डू या डज, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं उसे यह पुस्तक पढ़ाता हूँ? क्या मैं उसे यह पुस्तक पढ़ाता हूँ? जब हमारा वाक्य से शुरू होता है तो उसे हम ट्रांसलेशन किससे करते हैं? प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से। आई क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पे टू। आई टीच, क्या पढ़ाते हैं? अब यहाँ पे देखिए दो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो उसे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या पुस्तक। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, टीच हिम, उसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? पुस्तक। और जस्ट उसी के पहले है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, तो सबसे पहले एडजेक्टिव लिखेंगे दिस बुक, दिस बुक। क्या मैं उसे यह पुस्तक पढ़ाता हूँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेम वही नियम रहेगा फ्रेंड्स, सिर्फ नाटक का प्रयोग, इसमें प्रयोग नाटक का परिवर्तन करना है। जब वाक, जब क्वेश्चन वर्ड वाक के बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने का नियम क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सर वो चार्ज नहीं था, बंद हो चुका है, तेज तेज बोलकर पढ़ाइए बस। क्वेश्चन वर्ड प्लस, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट,
सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या वही चीज डू या टच। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब डू या टच प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या यूज होता है नॉट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज करना। एग्जांपल देखते हैं। मैं उसे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। मैं उसे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या कहता है। क्वेश्चन वर्ड ढूंढना तो वाई। वाई डू। डू का प्रयोग क्यों करें क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल नंबर में। आई सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है टीच। टीच क्या पढ़ाने की बात हो रही है अंग्रेजी, परंतु उससे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हिम। इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। मैं उससे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स देखते हैं जब वाक्य क्या से शुरू होता है। जब वाक्य क्या से शुरू हो। जब वाक्य क्या से शुरू हो जब वाक्य क्या से शुरू हो। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। क्या पूंजीपति गरीबों और जरूरतमंद का शोषण नहीं करते हैं। क्या कह रहा है। क्या पूंजीपति गरीबों और जरूरतमंद का शोषण नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से इसको ट्रांसलेट करेंगे। शुरू करेंगे आधे घंटे हो गए सर। डज कैपिटलिस्ट नॉट एक्सप्लॉइट। शोषण नहीं करते हैं किसका। द पुअर एंड जरूरतमंद नीडी
द नीडी। ओके फ्रेंड्स, अब यहीं पर आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है, तो फिर बाद में मिलते हैं आपको से लोगों से। ओके फ्रेंड्स।